नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन चाकड़ा और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों आज हम ऐसा मॉडल डिस्कस करने वाले हैं जो आपको बहुत ही बेहतरीन लुक देने वाला है। हम इसको ग्राउंड और फर्स्ट दोनों फ्लोर क्रिएट किए हैं, इसी को डिस्कस करने वाले हैं। आपने हमारा थंबनेल देखा होगा, तो एक बेहतरीन सा थंबनेल, बेहतरीन से इमेज आपको दिखी होगी। उसी इमेज को मैं पूरा डिफाइन करूंगा और आज का जो मॉडल होने वाला है काफ़ी खूबसूरत होने वाला है। अगर आपके पास बढ़िया जगह है और एक बेहतरीन सा घर चाहते हैं तो आप इस मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चारों तरफ से वेंटिलेशन मिलता है और यहाँ पर ईस्ट और वेस्ट, मतलब कि दो फ्रंट में आपकी रोड है सामने, या तो आप ईस्ट वेस्ट समझ लें या तो नॉर्थ साउथ समझ लें, मतलब दोनों तरफ से आपको फ्रंट देखने को मिलेगा। हम मैंने दोनों तरफ ही फ्रंट डिजाइन किया है, तो इसी मॉडल को डिफाइन करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्मॉल हाउस प्लान को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें। स्मॉल हाउस प्लान दोस्तों आपको लगातार अपडेटेड वीडियो देता रहता है, आप इसलिए इसे सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे प्लान्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो आज का प्लान हम आपके सामने डिस्क्राइब कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कितना बेहतरीन सा प्लान होने वाला है जो मैंने इमेज बनाया था। ये इसका फ्रंट है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। फ्रंट सामने से आपका मॉडल ऐसा दिखेगा। साइड की बात करें तो साइड से आपको ऐसा दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर विंडो वगैरह हमने लगा रखी है व्हाइट कलर की, तो थोड़ा सा आपको कम विजुअल होगा, बट काफ़ी खूबसूरत विंडो। और पीछे की बात करें तो आपका ये विजुअलाइजेशन देखने को मिलता है, बेहतरीन सा आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगा पीछे से भी, क्योंकि यहाँ पर पीछे भी रोड है दोस्तों, इस वजह से मैंने चीज़ें क्रिएट की हैं। साइड में भी उन्हीं की जगह है जिनका मॉडल है, तो उन्होंने विंडो वगैरह दिया जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। तो घर में वेंटिलेशन की एक भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि चारों तरफ विंडो दी हुई है। और फ्रंट का भी मैंने यहाँ पर गार्डन एरिया छोड़ रखा है, जिसमें आपको पार्किंग बाइक वगैरह पार्क कर सकते हैं। और बेहतरीन सा एक डिज़ाइन होने वाला है आज का। तो आप देख सकते हैं, टॉप व्यू मैं आपको दिखा दूं, जैसे आपको दिख रहा होगा कि आपका टॉप से घर कैसा दिखने को मिलता है। तो ये तो फ्रंट की बात हो गई, अब हम बात करते हैं इसके मैक्सिमम जूम करके, जिससे आपको इसका रियलिस्टिक व्यू दिख सके। इसकी ग्रिल वगैरह आप देख लें, कितना बेहतरीन तरह की मैंने डिजाइन की है। कलर कॉम्बिनेशन भी आपको काफ़ी खूबसूरत देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो आप देख सकते हैं ये पूरा मॉडल, जिसको चार पिलर बने हुए हैं, बीच में आप मेन डोर भी लगवा सकते हैं, हालांकि मैंने यहाँ पर नहीं लगाया, केवल ओपन स्पेस छोड़ा है। ये बाउंड्री वॉल, इसके ऊपर आपका ग्रिल टाइप का देखने को मिलेगा। बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर ओवरऑल बनकर रेडी होता है। फ्रंट डोर ये है जिसका मेन डोर, जहाँ से एंट्री करेंगे। इसका ये दोस्तों वेंटिलेशन के लिए विंडो फ्रंट में दिया है, लेफ्ट हैंड साइड में एक बेडरूम है, एक राइट हैंड में, इसलिए दोनों तरफ मैंने विंडो दिया है। अगर टॉप व्यू में दिखाना चाहूँ तो आपको देखिए टॉप से ज़्यादा चीज़ें क्लियर समझ में आएंगी। ये वाला जो दोस्तों आपको डिजाइनिंग के पर्पज से, ये फर्स्ट फ्लोर का है, मैंने यहीं पर दिखा दिया। तो सबसे पहले ये आपको पार्किंग का एरिया मिलता है, आप बाइक वगैरह साइड में पार्क कर सकते हैं। मेन डोर से एंट्री करेंगे तो आपको लेफ्ट और राइट दोनों साइड बेडरूम मिलते हैं। दोनों साइड बेडरूम्स के लिए अलग अलग डोर दिए हैं, और फ्रंट पर भी एक आपको विंडो देखने को मिलता है, इस साइड में भी मिलता है। तो प्रॉपर ये बेडरूम की वेंटिलेशन की बात करें तो दो विंडो मिलती, प्रॉपर वेंटिलेट होगा। वहीं इस तरफ की अगर हम रूम की बात करें तो यहाँ पर भी आपको दो बेडरूम देखने को मिलते हैं, दो विंडो देखने को मिलते हैं। जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर से एक बेडरूम देखने को मिलेगा, एक बेहतरीन सा। इधर अगर बात करें, ये आपकी स्टेयर्स हैं जिससे टर्न होकर वापस आएंगे, आपका देख सकते हैं बेहतरीन सा। और इसके ये आपका लेटेंट बात एक बड़ा सा बना हुआ है। इसके बाद हम बात करें, ये फिर आप जस्ट पीछे वाले अपने एरिया में पहुंच जाएंगे, बारंदा से बोलेंगे। अगर हम इधर से बात करेंगे ना, इस साइड से, क्योंकि दोनों साइड रोड था, पीछे भी आगे भी, तो आप इस बेडरूम से होते हुए इसमें आप अपने पोर्च में आ जाएंगे, और इस पोर्च के साइड में ये आपको एक बड़ा सा बेडरूम देखने को मिलता है। इधर आपको ये किचन देखने को मिलता है। देखिए, मैं इधर से अगर बात करूँ तो ये जो छोटा वाला एरिया है, ये आपका किचन है, दोनों तरफ विंडो। ये आपके एक और बेडरूम है जिसमें भी दोनों तरफ विंडो और डोर आप देख सकते हैं। तो अगर फ्रंट जो इधर था, फ्रंट से अगर आप बात करेंगे तो आपका किचन बिल्कुल लास्ट वाले कॉर्नर पर मैंने बनाया है, क्योंकि पीछे भी रूम है, सॉरी रोड है, इसलिए प्रॉपर वेंटिलेट होगा। और ये एक बेडरूम, और ये आपका पोर्च टाइप का डिजाइन। तो फ्रंट से आपको किचन सबसे पीछे मिलेगी, लेकिन अगर आप पीछे से एंट्री करेंगे, क्योंकि इधर भी रोड है, तो सबसे फ्रंट में आपको किचन और एक
बेडरूम मिलेगा। तो ये आपका पूरा ओवरऑल 4 बेडरूम्स की बात करें, 4 बेडरूम्स, लेट बाथ, स्टेयर्स, और आपका ये बेहतरीन सा डिजाइन देखने को मिल जाता है ग्राउंड फ्लोर पर, ये आप देख लें। और मैं जूम करके दिखा देता हूँ इसका 2D प्लान। दोस्तों आप हमारी वेबसाइट smallhouseplan.com से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हो सकता है आज ये प्लान आपको ना मिले क्योंकि मैं आज वीडियो अपलोड कर दूंगा, कल तक आपको ये हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड जरूर कर लें। इसके बाद बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो फर्स्ट फ्लोर पर आप जैसे पहुंचते हैं तो हालांकि कोई भी चेंजमेंट मैंने नहीं किया है, मॉडल में सिमिलर मॉडल है, वही आपकी स्टेयर्स, वही बेडरूम्स, वही बालकनी आगे का जो वो था, इससे मैंने ग्रिल बना दिया। देखिए एल शेप में, राउंड शेप में आपका ग्रिल बना हुआ। मैं मैक्सिमम जूम करता हूँ, ये देखिए बेहतरीन से ग्रिल का डिजाइन आपको दिया है। यहाँ पर मैंने काफ़ी वर्क किया है इस ग्रिल को बनाने में, काफ़ी मेहनत किया है दोस्तों आप लोगों के लिए। तो एक लाइक तो बनता ही है, आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं लगातार, हमारे वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, चैनल से जरूर जुड़ जाइए। दोस्तों काफ़ी लोग ऐसे हैं जो चैनल वीडियो देखकर चले जाते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों हालांकि आपका कुछ नहीं जाता बट हमें मोटिवेशन मिलता है, आप लोग हमारे वीडियोज़ को देख करके जाया ना करें, प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें और चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ। आप वीडियो आगे देखें या ना देखें बट ज़रूर जुड़ जाएँ, तो हमारा एक माइलस्टोन भी कवर होगा और साथ साथ हमें मोटिवेशन भी मिलता रहेगा ऐसे मॉडल आप लोगों के लिए देने के लिए। और दोस्तों पेड सर्विस भी चलाता हूं, तो आप इसका विशेष ध्यान रखें, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर देखिए पीछे वाले बेडरूम, पीछे वाले की बात करें तो यहां पर थोड़ा चेंजमेंट मैंने ये किया है कि आपका 3.5 फुट का छज्जा आगे साइड में, और ये देखिए निकाल दिया है, जैसे बेहतरीन सा ग्रिल आपका डिजाइन कर दिया मैंने, बहुत ही सिंपल सा ग्रिल और बेहतरीन सा। तो ये फ्रंट और बैक मैंने दोनों दिखाया। लास्ट फ्लोर की बात करें तो 3.5 फुट का बाउंड्री वॉल्स, ये आपका ग्रिल बिल्कुल सेम रहेगा, आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं ग्रिल का डिजाइन कितना बेहतरीन आपको देखने को मिलेगा। वहीं बात करें बैक साइड में तो इधर भी आपको बेहतरीन सा ग्रिल डिजाइन मिलता है। तो एक बहुत ही खूबसूरत प्लान देखने को मिलेगा। ये गुमटी है दोस्तों जो स्टेयर्स मैंने बनाई थी ना उसको ढकने के लिए, इस पर मैंने देखिए छत बना दिया। तो ओवरऑल मॉडल बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। अगर आप एक ऐसे मॉडल की तलाश कर रहे थे तो आपका पूरा रिक्वायरमेंट ये फुलफिल कर देगा। बोथ साइड यहाँ पर रोड्स हैं और इसका 2D प्लान मैं जैसा कि बता दिया, आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे smallhouseplan.com वेबसाइट पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो दोस्तों ये मॉडल आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, हम टारगेट रखते हैं कि आप इस हमारे जो वीडियो वॉच कर रहे हैं इसको कम से कम 1000 लाइक जरूर देंगे, तो आप लोग हमें प्यार जरूर दिया करें, चैनल से जरूर जुड़ जाया करें, जिससे आप हमें मोटिवेट करते रहें और मैं लगातार ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए देता रहूं। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, 2D प्लान इस वेबसाइट से डाउनलोड करिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पर भी चैनल है दोस्तों, और सॉरी टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप दोनों पर चैनल है, दोनों को ज्वाइन करिएगा, लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक्स वॉचिंग।